बिस्पिर रिमरिम यह कनाब यह कनास्ता ही मेरे पाकिस्तानियों आजकल एक पूरी आ, मीडिया के अंदर चला हुआ है कि जी शाह महमूद कुरैशी मुझे मिलने आए और वो कोई प्रपोज़ल ले कर आए हैं माइनस वन की कि इमरान खान ख़ानदा हो जाए थोड़ी देर के लिए और, और पार्टी आगे बढ़ जाए तो मैं आप सबके लिए पहले तो शाह महमूद कोई इस तरह की प्रपोज़ल नहीं लेके आए और बातचीत हुई कि उनके जेल में टाइम गुजरा किससे से मिले हमारे कई लोग थे जो उनसे मिलने आए तो वो सब की बातचीत हुई और फिर आगे अपने करना किया, लेकिन मैं आप सबको ज़रा समझाना चाहता हूँ कि दो तरह की पॉलिटिक्स हैं ये आपने बड़ा ज़रूरी समझना है क्योंकि एक पॉलिटिक्स में ये माइनस वन चलता है वो कौन सी पॉलिटिक्स है उसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं वो पॉलिटिक्स होती है इकतदार की पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे अच्छा जी अभी इस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज़ है चलो तो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ पार्टी को आगे कर देता हूँ कोई डील कर लेता हूँ कुछ समझौता कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आगे जाके देखेंगे कि अभी किसी और के हवाले कर दो तो वो उसके बाद फिर मेरी पार्टी आ जाएगी इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं दूसरी पॉलिटिक्स है जो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं सत्ताईस साल से वो पॉलिटिक्स है जो कायदे अजम की पॉलिटिक्स थी वो पॉलिटिक्स वो है जो कि मिशन की पॉलिटिक्स है कोई वो जात की पॉलिटिक्स नहीं है वो पॉलिटिक्स वो है जो हम सारे मुसलमान इंस्पायर होते हैं हमारी नबी सल्ह वसलम से कि उन्होंने भी एक मदीना की रियासत संभाली थी उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा था और उसके बाद उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे और हम तो कभी उनके अपना कार्य सोच नहीं सकते कि उनके जूतों की मिट्टी के करीब भी हों लेकिन कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो उनकी सुन्नत से सीखो वो पॉलिटिक्स बड़े मकसद की है वो अपनी ज़ात से हट के है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारा अरब उनके नीचे आ गया था तो उन्होंने अपना रहन सहन नहीं बदला वो जिधर थे उधर ही रहे मकसद बड़ा था तो हम तो उनसे इंस्पायर हुए हुए मैं तो ना पॉलिटिक्स में आता ही ना कभी तो मैंने जो इंसाफ की तहरीक शुरू की थी ये मदीना और कहा था कि इस्लामी फलाई रियासत हमारा मकसद है हम मदीना की रियासत से इंस्पायर हुए हुए थे हम उनकी सुन्नत से इंस्पायर हुए थे कि जो वो इनकलाब लेके आए थे और वो जो जो इंसाफ है ये बार बार प्लीज मेरी बात सुन लें इंसाफ सारे अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में इंसाफ की बात करने आए थे इंसाफ क्यों इतनी अहमियत रखता है क्योंकि इंसानों को इंसाफ आज़ाद करता है फिरौन क्यों कुरान में बुरा समझा जाता है इंसानों को गुलाम बनाया था उसने जुल्म करके क्यों नबी सल वसलम दुनिया का इनकलाब लेके और इन... छोटे से इंसानों को बड़े इंसान बना दिया क्योंकि इंसाफ से आज़ाद कर दिया ला ला इल्लल्लाह ने लोगों को आज़ाद कर दिया तो जो मेरी तहरीक थी इंसाफ की वो असल में आज़ादी की तहरीक थी क्योंकि इंसाफ आएगा तो लोग आज़ाद होंगे और जो मेरा सारा तजर्बा था दुनिया का जो मगरब को मैंने देखा तो वहाँ क्यों लोग जाते हैं नौकरियों के लिए क्यों वहाँ खुशहाली है क्योंकि लोग आज़ाद हैं लोग आजाद क्यों हैं क्योंकि वहां इंसाफ है रूल ऑफ लॉ है हकूक की ता, उनके इंसाफ का निज़ाम मेरे हकूक की हिफाजत करता है वहाँ ये हरकतें नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में होती रही हैं और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे अपने लोगों को मैं अपनी टीम को बताता हूँ कि अब आपको पता चला है जो हमारे पर जब जुल्म हुआ कि कैसे पाकिस्तान का कमजोर तबका मजदूर हारी किसान जो कमजोर तबका है गरीब छाबड़ी वाला छोटे दुकानदार छोटे सनतकार हर वक्त उनको इसका जुल्म का सामना करना पड़ता है जब वो ताकतवर के सामने आते हैं उनके पास कोई उनकी हिफाजत करने, करने के लिए नहीं उनके तहफुज करने के लिए नहीं उनके फंडामेंटल राइट्स को कोई किसी किस्म का तहफुज नहीं और इसलिए थाना कचहरी पटवारी की पॉलिटिक्स है क्योंकि जो उनका राइट है थाना कचहरी पटवारी वही उन उधर उन उनको उधर जुल्म होता है उनके ऊपर उनकी जमीनों पर कब्जा होता है कब्जा ग्रुप है यहां क्योंकि इंसाफ नहीं है तो ये मेरी सारी मूवमेंट शुरू हुई थी तब सत्ताईस साल पहले ये मेरी मूवमेंट तब तक रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं जब तक हम इस मुल्क में हकीकी आजादी इंसाफ लेके हकीकी आजादी नहीं लेके आते अब ये जब मुझे यह कहती है चीजें कि जी वो माइनस वन माइनस वन कैसे होगा जो आदमी एक तहरीक पे सत्ताईस साल से लगा हुआ है एक मुल्क के अंदर एक जदोजहद कर रहा है तो वो क्या वो डील्स करेगा क्या उस उसके कोई उसको क्या चीज उसको खरीदेगी बताए मेरे जमीर की क्या कीमत है क्या प्राइम मिनिस्टरशिप कीमत है कि अगर आप ये ये कर दें तो आपको प्राइम मिनिस्टर बन मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूं और मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बना मैंने एक बात कही कि अगर फिर वो मुझे 2018 का मौका मिलता मैं कभी मैं सीधी इलेक्शन फिर से करवाता क्योंकि जो मैं इंसाफ लाना चाहता हूं और ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहता हूं वो आई तब सकता है जब आपके पास ताकत हो तो जब एक कमजोर एक कोलिशन गवर्नमेंट वो कैसे उस पर कैसे ताकत होगी कि इस मुल्क में इंसाफ कायम करें तो मैंने इसलिए बार बार मैंने कहा मेरे से जब लोगों ने पूछा कि आपने क्या गलती की मैंने कहा मैंने गलती ये की कि, कि मुझे शुरू में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे और कमज़ोर गवर्नमेंट से मैं वो असलाह जो लाना चाहता था वो नहीं ला सकता था तो अब मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह की हरकतें हो रही हैं मेरे लोगों के ऊपर मैं इसलिए ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज़ाद माशों के अंदर ये नहीं हो सकता ये सिर्फ गुलामों को होता है ये सिर्फ फ्रॉन ऐसी हरकतें करता था लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए जो आज हमारे पे हो रहा है और मैं सारे पाकिस्तानियों कहना चाहता हूँ जो इस वक्त ये पी वाले भी बैठे हुए हैं ये जो आप तमाशा देख रहे हैं ये याद रखें कि ये आज हमारे पे जुल्म हो रहा है ये म आपके ऊपर भी होगा जब एक मुल्क के सारे इंसाफ के इदारों को जब उनको इस्तेमाल किया जाता है हकूमती इदारों को इस्तेमाल किया जाता है एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए और उनके लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए तो ये सिस्टम पर जाता नहीं है कोई भी संभाल के ये सिस्टम सब इस अगर आज हमारे हकूक नहीं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो ये अब कल आपके भी नहीं होंगे फंडामेंटल राइट्स तो एक कौम के हिफाजत होते हैं ना इनको ह्यूमन राइट्स कहते हैं ये ह्यूमन राइट्स सारे मुल्क के होते हैं ये नहीं होता कि एक तबके के आप ह्यूमन राइट्स ले लें और वो तबका क्या है मुल्क की सबसे बड़ी जमात जिसका सबसे बड़ा वोट बैंक है अगर आप उसके ह्यूमन राइट्स आज वायलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ह्यूमन राइट्स नहीं है क्योंकि ह्यूमन राइट्स को तो एक, एक मुल्क की अदलिया आ, उसकी हिफाजत करती है तो हमारी अदलिया के तो कुछ होता ही नहीं अब हमारी अदलिया तो ने तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्शन होंगे गए चौदह मई को आइन के मुताबिक गवर्नमेंट पुरवाही नहीं करती तो गवर्नमेंट आगे क्यों इलेक्शन यानी ये तो इसका मतलब कि इस वक्त ताकत की हुक्मरानी आ गई क्योंकि जब आप आइन से बाहर निकल गए तो कानून से बाहर निकल गए उसके मां तो जो ताकतवर चाहे वो करेगा तो ये सारे मुल्क को अफेक्ट करेगा ये तबाही सारे मुल्क पर आ रही है तो हमारे लोगों को जो मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि कोई फ़र्क नहीं जा, किया जा रहा जो तहरीक इंसाफ का है और जो वो खड़ा होकर कहने के लिए तैयार नहीं है लीडरशिप में से कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं उसके ऊपर हर किस्म का जुल्म हो रहा है उनकी बिजनेसिस बंद कर रहे हैं उनके फैमिलीज तक पहुंच गए हैं उनके बच्चों तक पहुंच गए हैं हर किस्म की ब्लैक मेल रात को घुस जाते हैं घरों में घर तबाह करके रख देते हैं लूट लेते हैं घर गर। घरों को डाका मारा जाता है जो मिलता है उसको पकड़ के ले जाते हैं अगर वो सारे तो छुपे हुए हैं उनके रिश्तेदारों को पकड़ के ले जाते हैं ये तो बदतरीन दुनिया की डिक्टेटरशिप्स में यानी वो निज़ाम जिनकी दुनिया मिसाल देती है हिटलर का जर्मनी स्टालिन का रशिया सोवियत यूनियन ये उन उन खौफनाक जुल्म के निजामों में इस तरह की चीज़ें होती थी जो आज हमारे ऊपर हो रही है मेरे पास आलिया हमजा की बेटियाँ आई मैंने कल उनको मिला तीन बेटियों को एक महीने से उसको बंद किया हुआ आलिया हमजा क्या उसका कसूर है उसका वालिद वो मेरे पास आए उन्होंने बताया कैसे घर में घुस के इन्होंने सारी चीज़ें तोड़ दी उनकी टीवी तोड़ दी एक आद, दो आदमी उन्होंने लाठियाँ पकड़ी हुई थी जो चीज़ आज तोड़ तोड़ के चले गए जो चीज़ दो तीन अच्छी चीज़ें पसंद आई उठा के ले गए तो ये कौन से मुल्क में होता है ये ग़ुलाम मुल्कों में लोगों को गुलाम बनाने के लिए ये हो रहा है ये आज़ाद कौमों में नहीं होता और ये जिस तरफ हम आप जा रहे हैं ये जो जुल्म कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ खौफ पिला के समझ रहे हैं कि ये पार्टी टूट जाएगी और कई लोग चले भी गए हैं लेकिन क्या मैं अब मैं अब मेरे से पूछे कि क्या मुझे इससे कोई फर्क पड़ रहा है डेढ़ सौ से ऊपर केसेस कर दिए कतल का केस आखिरी कर दिया मेरे ऊपर मुझे उन्नीस उन्नीस बेले लिए मैंने एक दिन में ये दुनिया का रिकॉर्ड है उसके बाद चार घंटे नैब में बैठा हूं चार घंटे नैब ने मेरे से वो जो सवाल पूछे मैं चैलेंज करता हूं कि किसी अदालत के अंदर कभी भी ये केस की कोई अहमियत हो जाए केस ही नहीं है कैबिनेट का फैसला है सारी कैबिनेट ने फैसला किया अब ये दिखाना था कि मुझे उससे को ज़ाती फ़ायदा हुआ है क्या अलकायदर जो पहला बन चुकी थी शुरू हो गई थी यूनिवर्सिटी क्या वो एक ट्रस्ट है वहां गरीब बच्चों गरीब घरानों के बच्चों को मुफ्त तालीम मिल रही है सीरत नबी पे और ये जो टेक्नोलॉजी के ऊपर वो ट्रस्ट है जैसे शौकत खान है मैं मुझे उससे क्या फायदा है एक रुपया नहीं दिखा सकता मुझे क्या फायदा हो ना ही किसी ट्रस्ट से किसी को फायदा नहीं हो सकता ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है तो वो केसेस भी हैं कत्ल का केस भी है आ, हर रोज कोई नया केस आ जाता है अदालतों के मैं चक्कर मार रहा हूं लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं हर अदालत में जाता हूं हर केस में जाता हूं ये बताने के लिए कि मैं कानून से ऊपर नहीं हूँ, जबकि मेरे ऊपर ये ये जान के किया जा रहा है ये मुझे खौफ दिलाने के लिए किया जा रहा है मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि या इससे ये ये सारे केसेस करें और इस केसेस में क्योंकि किसी अदालत में कोई सजा नहीं हो सकती मिलिट्री कोर्ट्स सेटअप किए हैं अप्रूवल ढूंढे जा रहे हैं जो कहिए इमरान खान ने हमें कहा था कि वो कोर कमांडर का घर जलाओ ये कहेंगे उनमें से कोई अप्रूवर आ जाएंगे मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे सजा हो जाएगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो आदमी एक मिशन जो 22 साल स्ट्रगल करके जो अगर 22 जिसके पास सब कुछ था कोई जरूरत नहीं थी 22 साल स्ट्रगल करने की अगर वो आज 27 साल के बाद अगर किसी का ख्याल है कि मैं जेल से डर जाऊंगा या जो भी है जो, जो कर, ढाई कातलाने हम दो का, दो मेरे ऊपर हमले हो चुके हैं कतल करने के लिए एक मुझे वक्त पे पता चल गया तो मैंने टीवी पे बता दिया कि क्या करने जा रहे थे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा जो जो कातलाने हमले से नहीं डरता तो वो किससे और डरेगा लेकिन उससे भी ज्यादा घटिया पान मेरी बहनों तक पहुंच गए मेरी बीवी के ऊपर केस ट्रस्टी होके उसका वारंट का एक ट्रस्टी ट्रस्टी को एक पैसा नहीं मिल सकता क्योंकि वो सीरत नबी में बहुत उनकी स्टडी है वो इंटरेस्टेड थी कदर यूनिवर्सिटी वो ट्रस्टी है उसके ऊपर वारंट निकाल दिया मेरी बहनों के ऊपर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस लेवल पे पहुँच गए हैं एक बहन का बेटे के ऊपर वारंट निकाला है उसका खनसामा उठा के लेके वो बेटा नहीं था खनसामा जब वापस आया वो आई में दो हफ्ते से पड़ा हुआ है, आई सी के अंदर खनसामा उसे पता है क्या किया वहाँ जेल के अंदर एक बहन उसकी बहू के पास पहुंच गए कि जी आप कोई जियो फेंसिंग में आप कहीं थी उसके पास पहुंच गए एक बहन उसकी जमीन उसकी लय उसके ऊपर एंटी करप्शन पहुंच गई है मैंने अपनी बहनों को वैसे कहा मैंने कहा देखो मुल्क से बाहर चले जाओ वो तीनों खड़िया नहीं हम फेस करेंगे हम नहीं जाते मुझे कई दफा जी इमरान खान आप मुल्क से बाहर मैं क्यों मुल्क से बाहर जाऊंगा यानी मैंने अगर कोई करप्शन की होती तो मैं भी शायद जिस तरह ये भाग जाते हैं जब इनके ऊपर इकतदार से निकलते हैं सब बाहर भाग जाते हैं क्योंकि इनके केसेस होते हैं बाहर भागते हैं केसेज रुक जाते हैं मैं सारे केसेस फेस करूंगा क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया मुझे पता है अल्लाह क्या है ये खुद ही जब ये जो कोयटा का मर्डर केस किया ये खुद ही जलील हो रहे हैं उसमें सबको पता है कोयटा के अंदर सबको पता है कि उनकी दुश्मनी थी मैं फिर आगे आपको अब आगे क्या रास्ता है मुल्क का रास्ता आगे क्या है मैं जो ये इनसे बात करता हूँ कि मेरे से बातचीत करो कोई बातचीत नहीं करता मैं अपनी स्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूँ कि बातचीत करो वो कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है मैं अपनी ज़ात के लिए आपसे बात नहीं करना चाहता मुझे आप कुछ नहीं दे सकते कौन मेरे साथ खड़ी है क्या कोई दे सकता है मैं कोई चोर दरवाजे तो आना नहीं चाहता अगर कौम मुझे वोट देगी मैं तैयार हूँ लेकिन अगर काम वोट नहीं देगी तो नहीं अल्लाह ने तो सब कुछ मैं वो अल्लाह ने का शुक्र अदा करता हूँ हर वक्त के जो उसने मुझे दिए लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है ये जो बजट आया है इस बजट के अंदर ज़रा आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम हम अब किधर एक एक दलदल दल के अंदर धसते जा रहे हैं आप ये सोचें कि फेडरल गवर्नमेंट जो सारा जब वो पैसे दे देगी आ, सूबों को जो पाँच हजार अरब रुपया सूबों को जब जाएगा तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो पैसा बचेगा उससे ज्यादा जो हमारा सूद देना है हमने कर्जों के ऊपर सूद देना है वो सूद उससे ज्यादा है सात हजार तीन सौ अरब रुपए का सूद देना है मुश्किल से फेडरल गवर्नमेंट के पास बच जाएगा सात हजार अरब से भी कम तो सारा फिर मुल्क कर्जों पर चलेगा हमने साढ़े तीन साल में अठारह हजार अरब अठारह हजार चार सौ अरब कर्जा लिया था अठारह हजार चार सौ अरब कर्जा साढ़े तीन सालों में इन्होंने तकरीबन पंद्रह हजार अरब कर्जा एक साल में ले लिया तो ये कर्जे चढ़ाए जा रहे हैं इंडस्ट्री बंद हो रही है ग्रोथ रेट जो थी जिससे दौलत में इजाफा होता है वो छः इशारिया एक फीसद साल पहले थी आज वो पहुंच गई है सिफर इशारिया तीन पर तो जो दौलत है उसके अंदर तो कमी हो रही है कर्जे बढ़ते जा रहे हैं डॉलर किधर से आएंगे इन्होंने पच्चीस तीस अरब डॉलर एक साल के अंदर देने हैं वो किधर से आएंगे तो मैं आज इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई तो रोड मैप होगा ना अभी तो रोड मैप ये है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान और इमरान खान को ख़त्म करो और अगर पी टी आई इमरान खान से तो उसको ख़त्म करो तो अभी तो ये वन वन पॉइंट एजेंडा सारी एजेंसी सब कुछ सारे मुल्क के इदारे वो इसी पर लगे हुए हैं काम हैं लेकिन मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि, कि करें हम खड़े हैं इसमें से एक आप ये कर्म कर रहे हैं कि मेरे जो नज़रियाती लोग हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं कि वो नजरियाती लोग कौन हैं और वो नजर आना शुरू हो गया कि जो हमारे साथ और मकसद के लिए आए थे उन नज़रिए के लिए नहीं आए थे तो एक तो आप फायदा कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ नज़रियाती पार्टी अब पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकती है लेकिन निकालेगी कैसे मेरी आखिर में बात सुन लें एक ही तरह हम निकलेंगे हमें कोई अब बाहर से पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो भी पैसे देने के लिए नहीं तैयार मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी कि जब मैं अपने दोस्त मुल्कों से पैसे मांगने गया ल्क के लिए क्योंकि अब दिवालिया निकला हुआ था हमारा तो उस वक्त मुल्क हमारे पास तो सबसे बड़ा बैरूनी खसारा के गए थे ये ये नून लीग वाले तो उनसे पैसा मांगना सबसे शर्मिंदगी थी अब कैसे निकलना है मैं आपको बताता हूं कैसे निकलना इसमें एक सोर्स है ओवरसीज पाकिस्तानी ये याद रख लें बैरून मुल्क पाकिस्तानी आपको निकालेंगे इधर से और बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैसे निकालेंगे मैंने फिर से आपको कहता हूं कि 16000 पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स उनकी नेटवर्क 200 अरब डॉलर है हम आईएमएफ से 6 अरब डॉलर की पीछे उनके मिनतें कर रहे हैं कि किसी तरह दे दें हमें दो अरब डॉलर उनकी है ये सिर्फ सोलह हजार है एक करोड़ बाहर पाकिस्तानी बैठा हुआ है अगर हम किसी तरह उनकी इन्वेस्टमेंट लें वो यह सरमायाकारी शुरू कर दें बजाय दुबई में करने में और दुनिया में और मुल्कों में कर रहे हैं अगर वह सरमायाकारी शुरू कर दें आप यकीन करें ये मुल्क उतनी तेजी से उठ सकता है क्योंकि डॉलर अंदर आने शुरू होंगे नौकरियां मिल और वो वहाँ आना शुरू हो गया था हमारे आखिरी दिनों में पैसा ओवरसीज रोशन डिजिटल अकाउंट क्या था ओवरसीज पाकिस्तान डेढ़ साल के अंदर साढ़े पांच अरब डॉलर पहुंच गया था ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट प्लान बना लिए थे हमारी ये जो रावी प्रोजेक्ट और ये जो बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट था वहाँ बाहर की कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही थी डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए जब इन्होंने एनओसी वापस ले लिया सिंध गवर्नमेंट में देखें बचाना इस मुल्क को ओवरसीज पाकिस्तानी जब चाइना ने और हिंदुस्तान ने अपनी इकोनॉमी खोली तो ओवरसीज चाइनीज और ओवरसीज हिंदुस्तानियों ने पहले इन्वेस्ट किया था हमारा भी वो इन्वेस्ट करेंगे लेकिन उसके लिए जब तक इंसाफ का निजाम हम ठीक नहीं करेंगे कानून की बालादस्ती रूल ऑफ लॉ जब तक हम ये नहीं कायम करेंगे उनका पैसा नहीं आने लगा तो चैलेंज अब क्या है रूल ऑफ लॉ हमने खत्म करके रख दिया पहले 140 सौ चालीस मुल्कों में से पाकिस्तान एक सौ उनतीस था रूल ऑफ लॉ में अब जो ये इन्होंने क्रैकडाउन किया अब तो ये बिल्कुल ही नीचे गिर गया है अब तो वह बनाना रिपब्लिक बन गया है। तो जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं है इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी दौलत में इजाफा कैसे होगा या तो इस वक्त पाकिस्तानी पैसा बाहर भेज रहे हैं पाकिस्तानी डॉलर लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि वो किसी को इतमाद ही नहीं है तो जब तक हम इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं करते जो मैं सत्ताईस साल पहले इंसाफ की तहरीक लेके निकला था रूल ऑफ लॉ की तहरीक वो जब तक अब हम कायम नहीं करेंगे पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे गवर्न सिस्टम तब ठीक होगा इदारे मजबूत होंगे और जब लोगों को इतमाद हो जाएगा कि हमारे अब जब मैं अपनी सरमाकारी करूँ तो यहाँ का जो कानून है जो इनकी लॉ इन्फोर्समेंट है जो इनकी अदलिया है वो मेरी सरमायाकारी की हिफाजत करेगी मेरे से फ्रॉड नहीं होने देगी ये जब तक एतमाद नहीं होता पैसा नहीं आने लगा और उसके लिए उसके लिए जब तक हुकूमत नहीं आती जो पब्लिक मैंडेट से आए जिसको पब्लिक सपोर्ट करे जिसको बड़ा वोट मिले और पब्लिक की सपोर्ट से आए सिर्फ वही वही बड़े बड़े फैसले कर सकती है नहीं तो इनको तो आपने देख ही लिया है क्या किया इन्होंने सोए महंगाई करके तारीखी महंगाई अड़तीस फीसद पे इन्होंने क्या किया इंडस्ट्री बंद हो गई है बेरोजगारी बढ़ गई है ग्रोथ रेट इन्होंने और क्या करना है तो ये जो अभी तक तो नजर प्ला, गेम प्लान में ये खिचड़ी पकने लगी है ना आगे नई आ गई है नई जमात एक क्रिएट कर दी है हमने भी अपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे सत्ताईस साल पुराने हमने लोग वहाँ भी भेज दिया है उनके पास और ज़रूरत है तो हुक्म करें हम और भी भेज देते हैं लेकिन इससे मुल्क ठीक नहीं होने लगा मुल्क ठीक तब होगा जब एक पब्लिक मैंडेट फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद एक मज़बूत गवर्नमेंट आएगी और मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को आज फिर से कहता हूँ नज़रसानी करें मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और जब ये तबाही जिस तरफ जा रहा है और आई एम एफ की अगली कंडीशन आएँगी जिस तरह उन्होंने मिसर और श्रीलंका में उन्होंने कंडीशन लगाई वो क्या है कि फौज का बजट काम करो दोनों जगह उन्होंने कहा तो ये तो हम उधर जा रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी एंड में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और एक दूसरा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी इस मुल्क की तो हमारे जो दुश्मन बैठे हैं वो मुल्क तोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कोई मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए मुझे कोई आपकी मदद नहीं चाहिए मैं कोई किसी मुझे ये समझे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इंतकामी कार्रवाई मुझे छोड़े मेरी बहनें बाहर जाने के लिए नहीं तैयार वो तो औरतों के ऊपर तो कभी इस मुल्क में ऐसे नहीं हुआ लेकिन मुल्क नीचे जा रहा है और इसलिए वक्त कम है जिस तरह जिस तरह दिन बढ़ते जा रहे हैं हम और अपने मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं सिर्फ कानून ख़त्म हो चुका है किसी को इस वक्त फिर से मैं कहता हूं जब अदलिया अपने फैसले नहीं करवा सकती जब आइन की कोई परवाह नहीं कर रहा जब पुलिस खुलेआम घरों में घुस के लोगों के घर लूट रही है और और उठा के लेके लोगों को जा रही है कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है तो उस मुल्क में तो अब बाहर के लोग क्या सोच रहे होंगे बताया ना बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो आपका बड़ा असासा है वो क्या सोच रहा होगा वो कोई सोच वो कोई सोचेगा कि पाकिस्तान में पैसा लगाना है तो अगर उन्होंने नहीं लगाना तो और तो इस वक्त कोई है नहीं जब तक हम मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते वो तो टाइम लगेगा कि हम बढ़, अपनी डॉलर इनकम बढ़ाएं तो उसमें तो सिर्फ एक ही इंटरम में तो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी मदद कर सकते हैं शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद